के सर्वेक्षण का व्यावसायिक संगठन के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं निजी कंपनी को प्राप्त जैसा दिखा कैसा छूट। तो प्रिविलेजेस मिलते हैं या एक्सेम्पशंस मिलती हैं प्राइवेट कंपनीज को, कौन कौन सी हैं आइए चलते हैं। सबसे पहले निर्माण या समामेलन संबंधी प्रिविलेजेस हैं। एक निजी कंपनी को निर्माण के लिए 2 सदस्य पर्याप्त होते हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य चाहिए। एक निजी कंपनी न्यूनतम अभिदान राशि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट प्राप्त किए बिना ही अंशों का आवंटन कर सकती है। एक निजी कंपनी को रजिस्ट्रार के पास प्रतिवेदन यानी कि प्रॉस्पेक्ट जमा करना अनिवार्य नहीं होता। एक निजी कंपनी समामेलन का प्रमाण पत्र मिलने के तुरंत बाद बिजनेस शुरू कर सकती है। इसे सार्वजनिक कंपनी की तरह व्यवसाय प्रारंभ करने का सर्टिफिकेट और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस प्राप्त करने की अनिवार्यता नहीं है। तो ये तो हो गया समामेलन से संबंधित विशेष अधिकार या प्रिविलेजेस। दूसरा अंश निधि संबंधी विशेष अधिकार प्रिविलेजेस रिगार्डिंग शेयर कैपिटल। निजी कंपनी न्यूनतम प्रार्थित राशि प्राप्त किए बिना ही अंशों का आवंटन कर सकती है। निजी कंपनी के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह नई अंश निधि को निर्माण कर वर्तमान प्राथमिकता दे और किसी को भी अंश बेच सकते हैं। इसके अलावा निजी कंपनियों को अंश के विभाजन तथा मताधिकार संबंधी नियम भी निजी कंपनी पर लागू नहीं होते। निजी कंपनी के संचालकों को योग्यता अंश लेने संबंधी सूचना देने की भी अनिवार्यता नहीं है रजिस्ट्रार के पास। तो ये हो गए अंशों संबंधी या अंश पूंजी संबंधी विशेष अधिकार। फिर आता है सभा संबंधी विशेष अधिकार। कुछ नियम सार्वजनिक कंपनी पर सभाओं से संबंधित लागू हैं। उनमें इनमें जो प्रिविलेजेस मिले हैं वो कौन कौन से हैं। निजी कंपनी की साधारण सभा के लिए महत्तम कार्यकाल संख्या के लिए 2 सदस्यों की उपस्थिति होना अनिवार्य है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 5 चाहिए। निजी कंपनी की साधारण सभा में कोई भी 1 या 2 सदस्य मतदान की मांग कर सकते हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 5 सदस्यों को मतदान की मांग करने पर ही मतदान कराना संभव होता है। मतदान किसी भी विषय विशेष पर चर्चा कराने के उद्देश्य से होगा, जो किसी भी विषय विशेष पे मतभेद हो जाते हैं कि ये काम करें कि ना करें, तो वह मतदान की व्यवस्था आती है। सार्वजनिक कंपनी में 5 लोगों के द्वारा 5 सदस्यों के द्वारा ही आवाज़ उठानी चाहिए और निजी कंपनी में 2 सदस्य ही पर्याप्त हैं इस कार्य के लिए। फिर आता है प्रबंधक संबंधी विशेष अधिकार। देखिए, एक व्यक्ति कितनी ही कंपनियों का प्रबंधक हो सकता है निजी कंपनी में। एक निजी कंपनी किसी सभा मेले संस्था फर्म अथवा संघ को अपने प्रबंधक के रूप में नियुक्त कर सकती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी नहीं कर सकती है। चलिए, हिसाब किताब की जांच संबंधी भी कुछ छूटें हैं। ये प्रिविलेजेस नहीं है, ये एग्जेम्पशंस हैं। एग्जेम्पशंस मतलब छूट, ठीक। किसी एक निजी कंपनी अपने हिसाब किताब की जाँच किसी भी प्रमाणित या अप्रमाणित अध्यक्ष से करा सकते हैं। निजी कंपनी के लिए यह अनिवार्य कि वह प्रत्येक सदस्य के साथ अपने हिसाब किताब की एक प्रति और अध्यक्षों की रिपोर्ट करें। निजी कंपनी के लिए यह भी अनिवार्य नहीं है कि वह अपने स्थिति विवरण या आर्थिक चिट्ठे की 3 प्रतियां साधारण सभा के बाद पंजीयन के बाद भेजें। यह सब करना जरूरी होता है जिसके लिए सार्वजनिक कंपनी के लिए। निजी कंपनी के लाभ का क्या एडवांटेज चलिए आइए जानते। सबसे पहला जो लाभ है जो यही प्रिविलेजेज और जो छूट मिलते हैं, इन्हीं को कंसोलिडेट करते हुए हम जानें कि अन्य जो बिजनेस के फॉर्म्स हैं उन पर भी साझेदारी होती है, उन पर भी निजी कंपनी की कब्जा है। तो मतलब है साझेदारी एवं कंपनी दोनों के लाभ मिलते हैं। निजी कंपनी में साझेदारी के जो गुण होते हैं वो भी मिल जाते हैं, उनके दोषों से मुक्ति जैसे कि असीमित दायित्व से मुक्ति मिल जाती है, और इसके जो लाभ होते हैं वो सारे प्राप्त हो जाते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार तो अब एक व्यक्ति भी कंपनी की स्थापना कर सकता है। केवल 2 व्यक्तियों से निर्माण हो सकता था और अब तो एक व्यक्ति भी कंपनी की स्थापना कर सकता है। कंपनी के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, जबकि साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। निजी कंपनी को अनेक वैधानिक छूटें प्राप्त होती हैं। इन लाभों के कारण साझेदारी फर्मों को निजी कंपनी में बदलने की प्रेरणा मिलती है। निर्माण तथा व्यवसाय करने में सुविधा, केवल 2 व्यक्ति भी एक निजी कंपनी का समामेलन करा सकते हैं। यह समामेलन का प्रमाण पत्र मिलते ही अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है और इसे प्रविवरण तैयार करने या पंजीकृत कार्यालय में उसे भेजने की कोई आवश्यकता नहीं। स्थायी अस्तित्व साझेदारी फर्म की अपेक्षा निजी कंपनी का अस्तित्व स्थायी होता है। किसी सदस्य की मृत्यु, पागल या दिवालिया हो जाने पर कंपनी के अस्तित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सदस्यों का प्रथम अस्तित्व
सार्वजनिक कंपनी की भांति एक निजी कंपनी के सदस्यों का अस्तित्व कंपनी से पृथक होता है। सामाजिक दायित्व, निजी कंपनी के अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होता है। कंपनी की धनदारी के लिए उनकी व्यक्तिगत संपत्ति उत्तरदायी नहीं होती। ये एक बहुत बड़ा इसका लाभ है। ऋण लेने में सुविधा है, कंपनी निजी कंपनी अपने ऋण पत्रों को बेचकर भी आवश्यक धनराशि जुटा सकते हैं। निजी कंपनी के सभी अंश प्राय एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों के पास होते हैं। व्यवसाय का प्रबंध भी निजी व्यक्तियों के ही हाथ में रहता है। इस प्रकार निजी कंपनी के स्वामियों और प्रबंधकों में कोई अंतर ही नहीं होता। समस्त आय उन्हें लाभांश के रूप में प्राप्त होती है। अतः मैं कंपनी के कार्यों को बदलने में परिश्रमशील करता हूँ। प्रबंधकीय परिश्रम तथा अर्थ प्रबंध में आजकल निजी कंपनियों के प्रबंधकों के पारिश्रमिक पर कोई प्रतिबंध न होने के कारण सार्वजनिक कंपनियाँ निजी कंपनियों में परिणति की जाने पर गोपनीयता एक निजी कंपनी को अपने खाते जनता और पंजीय के सामने जिससे गोपनीयता प्रबंध होती है। और अंतिम दसवां लाभ वैधानिक अतिरिक्ताओं से होती है। सार्वजनिक कंपनी के विपरीत एक निजी कंपनी को कुछ वैधानिक अतिरिक्ताओं की पूर्ति नहीं करनी पड़ती है। इससे समय और लेकिन इन लाभों के बावजूद निजी कंपनियों के कुछ दोष भी हैं, डिमेरिट्स हैं। वो कौन कौन से? स्थापना में कठिनाई, साझेदारी की तुलना में निजी कंपनी की स्थापना करने में कठिनाई होती है क्योंकि उसके लिए अनेक वैधानिक अतिरिक्ताओं करनी पड़ती है। सीमित सदस्य संख्या, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार निजी कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 तक हो सकती है। अतः यह पब्लिक कंपनी की अपेक्षा कम पूंजी जुटा सकती है जिस कारण बड़े पैमाने के उद्योग की स्थापना एवं संचालन करने में यह सक्षम नहीं होती। वैधानिक प्रतिबंध, एक निजी कंपनी का सम्मेलन तथा संचालन भारतीय कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है जिस कारण इसे अनेक वैधानिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत एक साझेदारी फर्म इस प्रकार के प्रतिबंध का सामना नहीं करती। गोपनीयता का अभाव, एक निजी कंपनी को रजिस्टर के यहाँ अपना पंजीकरण कराना पड़ता है तथा कुछ व्यावसायिक बातों का प्रकाशन भी करना पड़ता है। अतः साझेदारी की अपेक्षा निजी कंपनी में गोपनीयता की कुछ कमी होती है। वैसे सरकारी फर्मों को भी तो अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और ढेर सारी बातें रजिस्ट्रार और फर्म्स के पास जमा करना पड़ता है। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि साझेदारी फर्म का पंजीयन ना कराएं तो ऐसी फर्म्स भी अच्छी नहीं मानी जाती। तो अगर पंजीकृत फर्म है और पंजीकृत कंपनी है तो दोनों में गोपनीयता का स्तर लगभग समान होता है। आपने अभी को पढ़ा वो निजी कंपनी थी, निजी कंपनी के लाभ थे, उनके दोष थे, उनके कुछ प्रिविलेजेस और उनके कुछ एग्जेम्पशंस थे जो सार्वजनिक कंपनी पर उन्हें मिलते हैं। लेकिन अब हम जानेंगे निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर क्या है। ये आप अभी कई बार पढ़ चुके हैं लेकिन संक्षेप में मैं बता देता हूँ। सदस्यों की संख्या यहाँ न्यूनतम 2 और अधिकतम 200 है जबकि सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम सदस्य संख्या 7 और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। लिमिटेड शब्द का इस्तेमाल करना होता है सार्वजनिक कंपनी को और एक निजी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड अपने नाम के आखिर में। व्यवसाय प्रारंभ करना, सम्मेलन का प्रमाण पत्र मिलते ही ये तुरंत व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है। इसे व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए पहले पूंजी की व्यवस्था करनी होती है और पूंजी की व्यवस्था जब हो चुकी होती है उसका डिक्लेरेशन करने के बाद सार्वजनिक कंपनी को व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र मिलता है, तब वो बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अंतर्नियमों को बनाना, निजी कंपनी के लिए अंतर्नियमों को बनाना अनिवार्य होता है। ठीक है, सार्वजनिक कंपनी के लिए अंतर्नियमों को बनाना अनिवार्य नहीं होता है। अगर नहीं बनाएगी तो तालिका ए लागू हो जाएगी। जनता को निमंत्रित नहीं कर सकती है। निजी कंपनी अंशों के क्रय के लिए ये जनता को निमंत्रित करती है। प्रविवरण जारी करना, इसमें प्रविवरण तथा स्थानापन्न प्रविवरण निर्गमन करना नहीं होता है निजी कंपनी को, सार्वजनिक कंपनी को करना आवश्यक है। एक निजी कंपनी समामेलन का प्रमाण पत्र मिलने के तुरंत बाद अंशों का आवंटन कर सकती है लेकिन एक सार्वजनिक कंपनी अंशों का आवंटन तब तक नहीं कर सकती जब तक उसे न्यूनतम विधान राशि प्राप्त न हो जाए। अधिक अंश पूंजी का निर्गमन, इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वह नई अंश पूंजी के निर्गमन पर वर्तमान अंशधारियों को प्राथमिकता दे, यानी कि नए अंश ये अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही पहले बेचे या उनको बेचने का पूर्वाधिकार दे या पहले प्रस्ताव दे, ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन सार्वजनिक जो कंपनी होती है वह सबसे पहले अगर नए अंश इशू करेगी तो अपने वर्तमान अंशधारियों के सामने प्रस्तावित करेगी। अगर वो अपना ये अधिकार छोड़ना चाहते हैं तो वो निश्चित रूप से छोड़ने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अंशों का हस्तांतरण, निजी कंपनी में प्रतिबंधित है, ठीक है,
एक प्रतिबंधित सीमा में किया जा सकता है। सार्वजनिक कंपनी में स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सकता है। वाहक अंश अधिपत्र जारी करना, निजी कंपनी वाहक अंश अधिपत्र यानी कि बेयरर शेयर वारंट जारी नहीं कर सकती है, कर सकती है तभी कर सकती है जब अंश पूर्ण करते हैं उनको पूरा पैसा मिल गया है। बेयर अधिपत्र पर निर्गमन नहीं कर सकती है, कर सकती है। इसके संचालकों के लिए योग्यता अंश लेना अनिवार्य नहीं है। इसके लिए हमारे कम से कम दो संचालकों का होना आवश्यक है, कम से कम तीन संचालकों का होना आवश्यक है। संचालकों की संख्या में वृद्धि निजी कंपनी केंद्र सरकार के अनुमति के बिना ही संचालकों की संख्या बढ़ा सकती है, जबकि इन्हें ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति चाहिए। संचालकों को ऋण देने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति आवश्यक नहीं होती निजी कंपनी में, लेकिन सार्वजनिक कंपनी में संचालकों को ऋण देने के लिए केंद्रीय सरकार की अनुमति आवश्यक है। संचालकों का अवकाश ग्रहण करना निजी कंपनी में संचालकों के लिए भारी भारी से अवकाश ग्रहण करना आवश्यक नहीं है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी में ऐसा है। 1/3 संचालकों को भारी भारी से अवकाश ग्रहण करना होता है और नए 1/3 सदस्य चुने जाते हैं हर बार। प्रलेखों को फाइल करना निजी कंपनी के लिए इन प्रलेखों को रजिस्ट्रार के बाद भेजना आवश्यक नहीं है। संचालकों की सूची, संचालकों की सहमति संचालकों के साथ किया गया अनुभव। सार्वजनिक कंपनी के समन्वयन के लिए इन प्रलेखों को व्यवसाय के पास भेजना अनिवार्य होता है। क्योंकि प्रबंध अभिकर्ताओं की नियुक्ति निजी कंपनी में प्रबंध अभिकर्ताओं की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक पर अभी कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी में ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। प्रबंधकीय पारिश्रमिक जो होता है वह संचालकों और प्रबंधकों के पारिश्रमिक, यहाँ तो कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन वहाँ ये रखा गया है कि संचालक और प्रबंधक जो होता है उनके पारिश्रमिक शुद्ध लाभ के 11% से अधिक नहीं हो सकते। सदस्यों की सूची बनाना अनिवार्य नहीं है। यहाँ सदस्यों की संख्या 50 से अधिक है तो सूची बनाना अनिवार्य है। वैधानिक सभा, इसके लिए वैधानिक सभा बुलाना तथा रजिस्ट्रार के कार्यालय में वैधानिक रिपोर्ट फाइल करना आवश्यक है, नहीं है माफ कीजिएगा, और यहाँ पर ये अनिवार्य है। सभाओं में कार्यवाहक उपस्थिति, निजी कंपनी के सभाओं में न्यूनतम कार्यवाहक उपस्थिति, कार्यवाहक प्रमुख ओडर, अगर 2 लोग नहीं होंगे तो सभा नहीं हो सकती, यहाँ अगर 5 लोग नहीं हों तो सभा नहीं हो सकती। अध्यक्षकों की नियुक्ति, इसमें लेखा प्रसरों के अध्यक्षों के लिए अध्यक्षकों की नियुक्ति आवश्यक नहीं है, लेकिन इसमें आवश्यक है। निजी कंपनी के लिए वर्ष के अंत में अलग अलग खाता या आर्थिक शिक्षा प्रकाशित करना और प्रति सदस्यों को रजिस्ट्रार के पास फाइल कराना आवश्यक है। सब तो ये तो 24 पॉइंट है, ये सब नहीं, 12 पॉइंट आपको अपनी कॉपी कर सकते हैं। निजी कंपनी और साझेदारी कंपनी में क्या अंतर है? देखिए, साझेदारी आप पढ़ चुके हैं, निजी भी आप पढ़ चुके हैं, तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप ये पढ़ें और इसमें से 10 पॉइंट अपनी कॉपी पर दर्ज करें। किसी भी अगर आपको अंतर में अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो ये आपका दायित्व कि आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। सार्वजनिक कंपनी और साझेदारी के बीच के अंतर को जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी लिखना होगा। 10 पॉइंट्स के साथ इस क्वेश्चन को तैयार करें, ठीक है। प्रश्न आने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। कंपनियों के रूप में परिवर्तन, जैसे निजी का सार्वजनिक में, सार्वजनिक का निजी में, वगैरह वगैरह, ये टॉपिक हम कल पढ़ेंगे आज के लिए।